मेरे देखो दूसरे टाइप का जो हमने करंट पहले पढ़ा था दैट वाज डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो हमने पहले पहले जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे दैट वाज जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो सिंपल है, आपको मैंने पहले बताया था, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार बिल्कुल ईजिली इसको बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो ये समझना पड़ता है व्हाट इज़ द टर्म अल्टरनेटिंग मीन, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास सपोज एक रेजिस्टर, बिकॉज रेजिस्टर इज द सिंपलेस्ट कॉम्पोनेंट फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दीज करंट्स। तो लेट से इस रजिस्टर के जो एंड्स हैं वो ए और बी हैं, यहाँ पे भी एक और रजिस्टर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज दिस इज सेकंड रजिस्टर, ठीक है, ये भी एक रजिस्टर है, दोनों मतलब इनकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रजिस्टर्स की कि कितनी रेजिस्टेंस है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सीखना है। तो डायरेक्ट करंट इज अ करंट विच फ्लोज बिकॉज ऑफ सेल्स बैटरीज, जो आपको मैंने पहले सब लोग छोटी क्लास से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सपोज एक सेल को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो देन बिकॉज अ वोल्टेज इज क्रिएटेड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, और आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायरेक्ट करंट, ठीक है, उसका जो ग्राफ आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखो स्मॉल आई यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल, तो इसको भी आप स्मॉल आई रहने दो, ठीक है। बिकॉज इन जनरल स्मॉल आई सिंबल तब यूज है जब करंट चेंज करता है टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट करंट के लिए स्मॉल आई सिंबल यूज नहीं होता। और डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि वो कॉन्स्टेंट है, इफ द करंट इज नॉट कॉन्स्टेंट देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रूली डायरेक्ट, ट्रू मतलब प्योर डीसी नहीं बोल सकते उसको, प्योर डीसी हैज टू बी कॉन्स्टेंट। मतलब ये अगर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम प्लॉट करते हैं तो करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आना चाहिए डायरेक्ट करंट में। अगर वो ऐसे ऐसे आ रहा है, अप डाउन हो रहा है, करंट कॉन्स्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो देन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ प्योर डीसी, इट विल नॉट बिकम अ प्योर डीसी, इट विल बिकम एन इम्प्योर डीसी, या कई बार ऐसे बोल सकते हैं उसमें एसी कंपोनेंट होगा। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना, ठीक है, कि दैट यू नीड टू टॉक अबाउट के इसमें कितना एसी कंपोनेंट, अगर ये ऐसे 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 होगा कितना एसी कंपोनेंट है, ये सब आपको अभी नहीं करना है इस क्लास में। आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि जो आपका प्योर डायरेक्ट करंट होता है, तो जो प्योर डायरेक्ट करंट है उसका करंट और टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा कॉन्स्टेंट। If it is going up and down, then it is not actually DC. और अगर एक fresh and new cell है तो उसकी वजह से थोड़ी देर तक तो एटलीस्ट जो करंट फ्लो करेगा वो कॉन्स्टेंट करंट ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है। इसको फिर हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ए से लेकर बी तक होगी, एंड देर इज नो पॉइंट के डायरेक्शन चेंज हो जाए जब हम इस सेल को यूज कर रहे हैं और इसमें से करंट सपोज आप 5 मिनट्स तक करंट फ्लो कराते हो, यू एक्सपेक्ट करंट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड रिमेन फ्रॉम ए टू बी, एंड वी कॉल दिस एज द DC सोर्स और डीसी सीट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और ये ग्राफ आएगा जो करंट, अब जो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है उसमें करंट और टाइम के ग्राफ को हम ये टर्म यूज करते हैं वेव फॉर्म, ठीक है, ये वर्ड यूज करना है आपको। करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आता है उसको वेव फॉर्म कहेंगे, कई बार ये बोलते हैं करंट वेव फॉर्म। सो दिस इज अ करंट वेव फॉर्म, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, इट इज अ करंट वेव फॉर्म। और अगर आपने इस रेजिस्टर को लेट से यू कनेक्टेड टू अ, अब इसको अगर हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं या एसी सीट ऑफ ईएमएफ, सो सिंपल टर्म्स में अभी वन ऑफ द जॉब्स टुडे इज टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय एसी सीट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर जनरेट्स एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस कई टाइप्स की हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन जो मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है दैट इज द वन विच इज प्रोवाइडेड इन आवर होम्स। और जो भी जेन सेट्स आपने देखे होंगे पार्टीज में या कहीं भी यूज़ होते हैं आपके स्कूल्स में या इवन होम्स में, वो सब जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है, दे जनरेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसी व्हिच इज़ आल्सो प्रोवाइडेड इन योर होम। जो घर में एसी प्रोवाइड होता है और जो आपने जो जनरेटर्स देखे हैं वो जो एसी जनरेट करते हैं उसको साइनसॉइडल एसी बोलते हैं, वी कॉल इट एज साइनसॉइडल एसी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। Alternating current will flow through this resistor because of an alternating seat of EMF and AC generator is the alternating seat of EMF. तो आपके घर में भी जो electricity provide करते हैं that is also generated by using large size AC generators. जैसे normal AC generators होते हैं या generators होते हैं जो electric generators जो power backup के लिए use होते हैं normal, जो आपने देखे भी होंगे कहीं कहीं बड़े बड़े generators लगे होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस में बंद होते हैं, तो जैसे वो जनरेटर्स हैं वैसे ही बहुत लार्ज साइज जनरेटर्स हैं विच गवर्नमेंट इज़ यूजिंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के आप, लेकिन बेसिक चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है चाहे वो किसी भी और तरीके से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, अल्टीमेट जॉब इज डन बाई दी ए सी जनरेटर बिकॉज दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ए सी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एसी जो हमारे घर में प्रोवाइड करते हैं उसको हम साइनसोइडल एसी बोलते हैं। और एसी सोर्स को ऐसे लगाते हैं, चाहे किसी भी टाइप का एसी हो, एसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स फिक्स्ड होते हैं, बट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बिकॉज इफ इट वॉज द केस देन करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देन इट कुड नॉट बी आ एसी। करंट तो अगर एक फिक्स एंड पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा फिक्स नेगेटिव हो जाएगा तो करंट तो हमेशा ऐसे चलेगा, फिर वो एसी कैसे हुआ? ऑल्टरनेटिंग का मतलब मैं ऑल्टरनेट करना, ऑल्टरनेट मतलब पहले ये एंड पॉजिटिव रहेगा कुछ टाइम तक, फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप से ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। देन सम मोर टाइम विल पास एंड देन दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये थोड़ी देर तक, ये एक टाइम इंटरवल तक ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल तक ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव एंड ऑल्टरनेटिंग। तो इसमें ऑल्टरनेटिंग वर्ड इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज जो टर्मिनल्स हैं वो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव बनते रहेंगे। कुछ देर तक एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा और फिर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। तो इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि दैट वी शुड ड्रॉ करंट वेव फॉर्म। तो वट काइंड ऑफ अ करंट वेव फॉर्म कैन बी देयर? जब हम ऑल्टरनेटिंग सीट ऑफ ईएमएफ से एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, जो कि सिंपलेस्ट सर्किट है एसी का, ये डीसी में सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ वेव फॉर्म विल बी देयर? कैसे करंट और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे आएगा? तो किसी भी तरीके का ग्राफ आ सकता है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की करंट वेव फॉर्म हो सकती है, लार्ज नंबर ऑफ करंट वेव फॉर्म कैन बी देयर। बट सब में एक चीज कॉमन होगी, कुछ देर तक करंट ए से बी तक जाएगा और फिर जब ये पॉजिटिव बन जाएगा तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, मतलब द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियोडिकली, उसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मींस एक पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कुछ पीरियड तक, कुछ टाइम पीरियड तक डायरेक्शन ए से बी तक रहती है, फिर कुछ टाइम पीरियड तक वो बी से ए तक रहती है। तो अब सपोज मैं ऐसे बनाता हूँ, अब व्हाट कुड दिस मीन? ठीक है, बेसिकली अब सपोज ये प्लस 5 एम्पीयर्स है और ये माइनस 5 एम्पीयर्स है। माइनस 5 का करंट का लिखने का मतलब सिर्फ ये कि डायरेक्शन हैज चेंज्ड। सो सपोज वी कॉल दिस एज प्लस 5 एम्पीयर्स, तो इतने टाइम तक, जो भी ये टाइम हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है, एक सेकंड मान लो आप, या दो सेकंड हो सकता है, या 0.00001 सेकंड हो सकता है, 1 माइक्रो सेकंड हो सकता है, व्हाटएवर, 1 मिली सेकंड हो सकता है, वो अभी बात नहीं कर रहे। सपोज कुछ देर तक करंट ए से बी तक चलता है और कॉन्स्टेंट है, तो कैन इट बी आई सी? इट कैन बी, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज चेंजिंग पीरियोडिकली। तो इतने टाइम तक करंट इस ए से बी तक गया और सपोज नेक्स्ट 1 सेकंड तक करंट बी से ए तक गया, तो व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए यू हैव टू इंडिकेट इट ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, देन अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग इन द पॉजिटिव साइड, देन अगेन इट, तो ये करंट वेव फॉर्म आ जाएगी। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज, आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कॉमन है, जैसे कंप्यूटर सर्किट्स या इवन आपके जो फोन्स हैं, तो जो क्लॉक होती है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटर एंड हाउ दे वर्क, देन एन इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द इंटरनल क्लॉक ऑफ द सिस्टम। इंटरनल क्लॉक का टाइम ये नहीं होता कि आप कंप्यूटर को ऑन करो उसमें टाइम आ जाए। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और वो सीक्वेंसिंग में जो क्लॉक्स होते हैं दे अरेंज कि अगर ये काम हो गया अब इस टाइम तक तो फिर नेक्स्ट जॉब ये होना है, तो उसी की वजह से सारा जो हार्डवेयर है वो काम कर पाता है पूरा अच्छे तरीके से। तो कंप्यूटर्स के अंदर इस तरीके की वेव फॉर्म्स यूज होती हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म बोलते हैं या स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ऑफ द करंट और स्क्वायर वेव फॉर्म। बट यू डोंट हैव टू स्टडी इट मच, बस ये पता होना चाहिए कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का वो मीनिंग है। माइनस दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि डायरेक्शन हैज चेंज, अंडरस्टूड? तो ये अब इसमें देखना, तो फिर और भी करंट वेव फॉर्म्स हो सकती हैं जो कि एसी हैं। बहुत अलग अलग तरीके की वेव फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, इसमें भी वही है, करंट यहाँ से यहाँ तक तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज होगी एंड करंट इंक्रीजेज एंड बिकम्स मैक्सिमम, देन फॉल्स डाउन एंड बिकम्स जीरो, देन इट इंक्रीजेज एंड बिकम्स मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन इट फॉल्स डाउन। तो इसको हम ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बोलते हैं। कहाँ पे यूज होती है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता चलेंगे तो आप आज के बाद आपको इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये पता होगा अपने बच्चों को बताने के लिए कि ये ऐसी हो सकता है। ठीक है, तो अगर अगर आप सॉटूथ वेव यूज करते हो तो ऐसी आती है। ठीक है, इट लुक्स अ लिटिल बिट लाइक दिस। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉटूथ वेव? अगेन इट लुक्स लाइक अ शार्क। ठीक है, वट एवर, तो मतलब लेकिन वो कहीं यूज होती है,
कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो इसका एक बड़ा टॉपिक है पल्स एंड डिजिटल स्विचिंग वेवफॉर्म्स, वेवफॉर्म्स को स्टडी करते हैं. बट ऑल ऑफ दिस आर एसी बिकॉज करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन फॉर सम टाइम एंड देन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर अनदर टाइम. लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एसी है जो हम घर में यूज करते हैं और जो मैं आपको अभी बता देना एसी जनरेटर से जो करंट हम बनाते हैं, द करंट विच इज यूजली फॉर्म्ड और जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर्स. ठीक है, तो एसी जनरेटर ये एसी जनरेटर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बाकी रेक्टेंगुलर करंट फ्लो कराने वाले एसी सोर्स को, इसको एसी सोर्स भी बोल सकते हैं ना, इसको डीसी सोर्स, इसको एसी सोर्स, डीसी सीट ऑफ ईएमएफ, एसी सीट ऑफ ईएमएफ. देयर हैज टू बी अ सीट ऑफ ईएमएफ फॉर करंट टू फ्लो बिकॉज दैट इज लाइक अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट कॉज करंट टू फ्लो. तो जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एसी है वो ऐसा दिखता है. अब ये कर्व के बारे में हम कब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11th क्लास में जब फर्स्ट लेक्चर लेते हैं उसी में बताते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आता है. अब वो कई बार मेडिकल वाले बच्चे मिस कर देते हैं, इसलिए मुझे यहाँ क्लास में बताना पड़ता है, वरना बताने की भी जरूरत नहीं है नॉन मेडिकल वालों को कि यहाँ पर x की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 180 डिग्रीज होगी, यहाँ पर 2 पाई रेडियंस, यहाँ पर 3 पाई रेडियंस, यहाँ पर 3 पाई बाई 2. ठीक है, तो इफ द करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ देन यू कॉल दैट एज अ sinusoidal AC. मतलब जब साइन फंक्शन की शेप होती है करंट और टाइम के बीच में ग्राफ की, साइन फंक्शन की ग्राफ. तो इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं इफ द करंट चेंजेस विद टाइम हार्मोनिकली, वो आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए. अगर करंट टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होने का मतलब है ग्राफ की ये सांप जैसी शेप है, ऐसे वेवी. ठीक है ना, तो इसी शेप, पर्टिकुलर शेप को हम हार्मोनिक शेप बोलते हैं. और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एसी है जो भी अभी हमारे रूम में फैंस में से चले करंट फ्लो कर रहे हैं या एयर कंडीशनर की यूनिट्स में से करंट फ्लो कर रहे हैं या द करंट विच माइट बी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, तो उनमें जितने भी करंट्स हैं तो वो सारे ऐसे ही इसी तरीके से यही शेप होती है करंट की. अ जनरेटर ऑल्सो प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अ करंट बिकॉज देखो अब इसकी तो ईएमएफ फिक्स्ड है कॉन्स्टेंट 5 volts, तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहे हैं. लेकिन ये करंट यहाँ जीरो से राइज करके मैक्सिमम बन गया, यहाँ ज्यादा हो गया ना करंट. ठीक है, तो वैसे इसकी वोल्टेज भी इंक्रीज करती है, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड राइज टू सम मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से 5 volts, एंड देन फ्रॉम 5 इट अगेन फॉल्स टू जीरो वोल्टेज. तो इस तरीके का करंट फ्लो कराने के लिए जो ईएमएफ है, बिकॉज दिस इज अ टाइम वेरिंग करंट, इट चेंज वेरीज विद टाइम, सो टू मेक सच अ टाइम वेरिंग करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर अ टाइम वेरिंग ईएमएफ इज रिक्वायर्ड. तो जैसे हमने अलग अलग टाइप के करंट्स करंट वेवफॉर्म्स देखी थी, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर और सॉटूथ, वैसे ईएमएफ भी कई अलग अलग फॉर्म्स की होती हैं. मतलब साइनसॉइडल ईएमएफ की वजह से साइनसॉइडल करंट फ्लो करते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ डज अ साइनसॉइडल ईएमएफ अराइज. तो लास्ट चैप्टर में एक प्रॉब्लम दी है साइनसॉइडल ईएमएफ की, बट नो वन आस्क्ड दैट प्रॉब्लम. ठीक है, तो साइनसॉइडल ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया ना साइनसॉइडल करंट साइनसॉइडल ईएमएफ की वजह से फ्लो करते हैं. ठीक है, याद आ जाएगा समझ में. तो हाउ डू यू क्रिएट अ ईएमएफ विच मेक्स दिस काइंड ऑफ अ करंट फ्लो. तो अब ये वाला करंट तो कांस्टेंट है, बट इसका ग्राफ तो कई बार ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं भी समझ में आए तो. तो जो इसकी टाइम और करंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला विच करंट कनेक्ट करंट एंड टाइम, वो मैं आपको बताता हूँ. वो ऐसा आता है देखो, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड टाइम, इट लुक्स अ लिटिल बिट लाइक दिस. यहाँ पे साइन फंक्शन आएगा और साइन के सामने समथिंग लाइक ओमेगा टी. अभी आपको मालूम होना चाहिए ओमेगा क्यों है, टी तो आना ही चाहिए क्योंकि टाइम का फंक्शन है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पर आई जीरो आता है. अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, आई जीरो का मतलब क्या है. देखो, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, चाहे टाइम कितना भी आगे जाए, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ टाइम, ओमेगा तो एक कॉन्स्टेंट है. ठीक है, जो भी आपका एसी सोर्स है उसके ऊपर ओमेगा की वैल्यू डिपेंड करती है. ठीक है, वैसे इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके वैल्यू अभी बता देंगे आपको ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बट ओमेगा टी की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, चाहे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये जो वैल्यू है दिख रहा है आपको, ये इसको हम आई जीरो बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम करंट द वैल्यू, मतलब करंट जो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर सकता है उसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं. क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस वन और मिनिमम माइनस वन. अ वैल्यू ऑफ माइनस वन ऑफ साइन ओमेगा टी इंडिकेट्स करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इज मैक्सिमम. माइनस ओमेगा, अगर साइन ओमेगा टी माइनस वन हो गया पूरा का पूरा,
तो साइन ओमेगा टी माइनस वन कब होता है? बेटा देखना यहां पर माइनस वन है, तो जब ओमेगा टी पाई बाय टू है तब तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, जब ओमेगा टी पाई के इक्वल है, ठीक है। तो ये ओमेगा वही है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा ना एसएचएम में, अगर आपको याद है, टू पाई एफ, ठीक है। एंड व्हाट इज एफ? एफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, एंड देन यू कैन आस्क व्हाट इज टाइम पीरियड। तो बिल्कुल ईजी है, देखना बेटा यहां से लेके यहां तक करंट की एक साइकिल पूरी होगी। व्हाई वी कॉल दिस एज वन साइकिल? बिकॉज आफ्टर दैट द सेम थिंग विल रिपीट, सो दिस इज अ साइकिल। तो एक बार यहां से यहां तक चलने के बाद फिर से वही चीज दोबारा होगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक साइकिल पूरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां से एक साइकिल कितनी देर में पूरी होती है? सपोज दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन कैपिटल टी टाइम, ठीक है। सो देन दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली हाफ द टाइम, टी बाई टू। तो जो ये टाइम है, तो हमारे घर में जो एसी सप्लाई करते हैं, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो कितना आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना टाइम पीरियड, तो ये कितना आ जाएगा? 0.02 सेकंड्स। मतलब जो हमारे घर में एसी सप्लाई करते हैं उसकी एक पूरी साइकिल 0.02 सेकंड्स में पूरी हो जाती है। ये तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि घर में जो एसी सप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, शायद याद होगा 10th की बुक में दिया हुआ है। नहीं याद है आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये याद कर लो आज एक, कि वट एवर द ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज सप्लाइड इन योर होम्स इट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो वाई इट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स? ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 50, ओमेगा इज 2π × 50। जो घर में एसी सप्लाई करते हैं उसके लिए ओमेगा 2π × 50 है, और ये तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये तो ईजी है ना, ये समझना तो ईजी है। तो ये साइनसॉइडल एसी, अब एम क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर साइनसॉइडल एसी इज गिवन बाय दिस साइन ओमेगा टी, इसको याद कर लो बस आप, ठीक है, फिर बाकी डिटेल्स धीरे धीरे समझ में आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि वेन एवर यू लुक एट अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा याद भी करना चाहिए आपको, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट लुक में उसको कुछ मेमोराइज कर लो फॉर लेट्स से कपल ऑफ आवर्स, एंड देन आफ्टर कपल ऑफ आवर्स इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट देन इट विल बी अंडरस्टूड मोर। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली फॉर द फर्स्ट टाइम के देन ओनली आई विल मेमोराइज, ऐसा नहीं है। तो इसमें बस ये टर्म्स याद रखनी है, पीक करंट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी थ्रू 2πf, ये तो रट्टा लग जाएगा, आपने 11th में किया है। और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज सप्लाइड इन आवर होम्स इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सो इनफैक्ट अगर ये फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाए देन यू माइट हैव हर्ड दैट देयर आर बिग पावर कट्स, उसमें फिर न्यूज़पेपर में ही आती है रिपोर्ट, क्योंकि वो 10-10, 12-12 घंटे के लिए इलेक्ट्रिक पावर इज शट डाउन, वी से दैट द ग्रिड हैज ट्रिप्ड, सुना होगा आपने, ग्रिड ट्रिप हो जाती है कई बार, तो वो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ लोडिंग एंड अदर फैक्टर्स। तो इफ दिस फ्रीक्वेंसी गेट डिस्टर्ब देन द होल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन इज गेटिंग डिस्टर्ब, बिकॉज उसमें मैचिंग की होती है फ्रीक्वेंसीज की अलग अलग तरीके से, उसको लोड को कैसे कंट्रोल करना है, सो ऑल दैट इज टॉट इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं, उनका काम है, ठीक है। ये समझ में आएगा बेटा, बताओ, ठीक है। कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देखते हैं हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। दैट ईएमएफ आल्सो वेरीज विद टाइम लाइक दिस, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी ऐसा ही ग्राफ आएगा सिमिलर। एक और चीज है जो आपने पढ़ा था, बिकॉज दिस करंट वेरीज हार्मोनिकली विद टाइम, तो आपको मालूम है जो कॉस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, याद है आपको, कॉस फंक्शन का ऐसा ग्राफ होता है। तो करंट इफ अगर करंट और टाइम के बीच में ये ऐसा ग्राफ है, इवन दैट इज अ हार्मोनिक, मतलब साइनसॉइडल एसी, उसको भी हम साइनसॉइडल एसी बोलते हैं। साइनसॉइडल का मतलब होता है साइन फंक्शन, द टर्म वर्ड साइनसॉइडल मींस साइन फंक्शन इज इन्वॉल्व, ये क्लियर है बेटा, बताओ। तो अगर करंट और टाइम के बीच में यहाँ पे अगर कॉस ओमेगा टी आ जाए वो भी साइनसॉइडल एसी है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम साइनसॉइडल एसी, इट इज द सेम थिंग, बिकॉज द शेप ऑफ द ग्राफ इज द सेम, ग्राफ की शेप वही है, तो उसको हम साइनसॉइडल एसी बोलते हैं। अगर साइन और कॉस फंक्शन इन्वॉल्व है, if current changes with time and sine and cos functions are involved then we use the term sinusoidal AC. So what about this AC generator? Dekho, because AC generator ki wajah se hi AC seat of EMF, matlab AC generator hi AC seat of EMF hota hai. AC generator is responsible for producing sinusoidal EMF. Sinusoidal EMF means, ab ye aapko pata lag jana chahiye, jaise maine kaha na, aap gram kar lo. So sinusoidal EMF is an EMF which is not constant like this 5 volts. जैसे ड्राई सेल आप घर में यूज करते हो, पेंसिल सेल यूज करते हैं कि नहीं, उसकी ईएमएफ तो कांस्टेंट है फॉर एटलीस्ट सम टाइम,
ठीक है 1.5 वोल्ट. सो दिस ईएमएफ वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मूला. यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा टी और यहाँ पे आएगी पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ. तो इसकी वेव फॉर्म कैसे आएगी, ईएमएफ की वेव फॉर्म. तो इस चैप्टर में यही आपको पढ़ना है, करंट की वेव फॉर्म्स होंगी, ईएमएफ की वेव फॉर्म्स होंगी और वोल्टेज की भी वेव फॉर्म्स होंगी. वोल्टेज वेव फॉर्म्स विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ अ करंट वेव फॉर्म, ईएमएफ वेव फॉर्म विल बी देयर. इसकी वेव फॉर्म ऐसी आएगी बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से शेप आएगी. जीरो टाइम के ऊपर कितनी वैल्यू आएगी ई की, जीरो आ जाएगी. टी को जीरो पुट कर लो उसमें, ई कितना आ जाएगा, ये वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट जीरो टाइम, जीरो आ रही है कि नहीं. और जब ये पूरी चीज पाई बाई टू है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी. अब हमने यहाँ पे टाइम लिखा है, तो इस टाइम को हम हाफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसी का, इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं इसी का. तो ये जो डिस्टेंस है ये पीक वैल्यू है, ठीक है, तो पीक वैल्यू. सो आपने सुना होगा कि जब हमारे होम्स में वोल्टेज सप्लाई होती है देन ऑल दी थिंग्स आर डिजाइन टू वर्क एट 220 वोल्ट्स. यही बोलते हैं ना दैट हमारे घर में 220 वोल्ट्स वोल्टेज सप्लाई होती है. तो वो कौन सी वोल्टेज होती है, वो ये वाली वोल्टेज होती है या ये, या पीक वोल्टेज होती है. तो इतना बता देता हूँ कि ये पीक वोल्टेज नहीं होती, दिस इज नॉट 220 वोल्ट्स. ये पीक वोल्टेज तो इट इज समवेयर अराउंड 311 वोल्ट्स. ऑल्दो द वोल्टेज विच इज सप्लाइड इन आवर होम्स इज दिस, but then why the peak value is 311, because this is not the peak value of the voltage which is supplied. घर में जो आपको voltage supply है वो exactly ऐसी है जो आपके electricity meter में जो पीछे से पार आ रही है उसकी वजह से जो voltage आएगी वो voltage it will vary with time like this. And if you suppose connect nothing, suppose इन दो points के बीच में हम एक resistor को ही connect कर देते हैं, यहाँ पे एक आप एक resistor लगा दो तो resistor को ये वाली EMF मिलेगी और फिर ऐसी ईएमएफ की वजह से वैसा ही करंट फ्लो करेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था. टाइम वेरिंग करंट, साइनसॉइडल टाइम वेरिंग करंट विल फ्लो थ्रू दैट रेजिस्टर एग्जैक्टली सेम. समझ में आएगा बेटा बिल्कुल. अब वो कैसे फ्लो करेगा, क्या उसके मैथमेटिक्स होगी वो फिर अभी बताएंगे. ठीक है, तो ये कौन सी वोल्टेज होती है जो घर में देते हैं, फिर इसको आरएमएस वोल्टेज बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ. तो वो अभी हमारा पार्ट है, हमें समझना है व्हाट आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ मींस. ये समझ में आएगा बेटा, पहले बताओ सबको. ठीक है, तो ये देखना बेटा एसी जनरेटर में आपको मैं थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करा दूं, बट आई वांट टू गिव यू नोट्स आल्सो. देखना बेटा उसमें करंट की जो वेव फॉर्म भी ड्रॉ की हुई है, करंट वेव फॉर्म भी ड्रॉ की हुई है और जो करंट की फंक्शनल रिलेशनशिप है, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, वी कॉल दिस एज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द करंट. उसमें ऐसे कुछ लिखा होगा यहाँ कॉन्स्टेंट, है ना. तो हमने जो पहले अभी बनाया था ना थोड़ी देर पहले वो सिंपलेस्ट केस, उसमें फाइव को हमने जीरो ले लिया था. तो ये तो अभी एक ही बार आएगा बस एक्सप्रेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम जब एनसीईआरटी में या कहीं भी एनालिसिस में इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ऐसे ही दिया होगा. तो लेकिन अगर ऐसे आएगा तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस. ठीक है, इसको फेज कॉन्स्टेंट बोलते हैं, शायद आप लोगों को मालूम है. तो अगर अभी नहीं भी मालूम है आपको तो बाद में यू विल बी एबल टू डील विद दिस. बट इसकी शेप ऐसी आएगी, देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो फाइव की वैल्यू पर डिपेंड करके ग्राफ की शेप तो वैसे ही आएगी, बट ग्राफ थोड़ा सा ऐसे या ऐसे हो सकता है. ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, ऐसा भी कुछ ग्राफ आ सकता है. जैसे अगर मान लो सपोज अगर हम इसी में, सपोज इसी में हम फाई की वैल्यू को पाई बाई टू ले लें तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होते, फिर ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा कॉस के जैसा. समझ में नहीं आया, इस तरीके का ग्राफ आएगा. तो मतलब फाई इज फेस कॉन्स्टेंट, तो इसकी ज़्यादा अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. शेप इज सेम, वो हार्मोनिक करंट ही रहेगा या साइनसॉइडल करंट ही रहेगा. फाई की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज द नेचर ऑफ द करंट, ना ही उसका टाइम पीरियड चेंज करेगी, ना ही वो उसका शेप चेंज करेगी, ना ही पीक वैल्यू को चेंज करेगी फाई की वैल्यू. द ओनली थिंग विच चेंजेस इज कि भी ऐसे या ऐसे या थोड़ा बहुत आगे या पीछे स्लाइड कर सकता है ग्राफ बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ फाई. एंड मोस्टली वी हैव टू डील विद द केस व्हेन फाई जीरो है. ठीक है, तो वही हमें करना होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना. तो अब देखो ये दो तरीके हैं करंट इलेक्ट्रो ऑल्टरनेटिंग करंट को दिखाने के, दो तरीके हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं. इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप मेथड. फंक्शनल रिलेशनशिप मेथड में करंट इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. आई ओमेगा एंड फाई दे आर कॉन्स्टेंट्स, लाइक आई जीरो कुड बी 1 mA, ओमेगा कुड बी सम वैल्यू, फाई कुड बी सम वैल्यू. ठीक है, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप मेथड है, ये वेव फॉर्म मेथड है. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ऐसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी दो मेथड्स आ जाएंगे, वहाँ पे बस ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा यहाँ पर आगे. ठीक है, और फिर उसकी भी वेव फॉर्म आ जाएगी, ईएमएफ की भी ऐसी वेव फॉर्म आ जाएगी. ठीक है ना, और एक थर्ड मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फेजर मेथड.
सो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को दिखाने के लिए, या हम बोलते हैं साइनसॉइडल क्वांटिटीज को दिखाने के लिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट्स होंगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ्स होंगे, और फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होंगे. यू कैन हैव थिंक ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज. मोस्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस एंड दिस और दिस, ठीक है ना. तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए या इनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, देयर आर थ्री मेथड्स. वन इज फंक्शन रिलेशनशिप मेथड, इन विच यू राइट डाउन द क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. द अदर इज वेव फॉर्म मेथड, इन विच वी जस्ट ड्रॉ द वेव फॉर्म of current as a function of time or EMF as a function of time. And then there is something called as a phasor method. उसके में ज़रूरत पड़ेगी तो तब आपको बताएंगे, ठीक है. अभी अभी पढ़ने से कोई इतना बेनिफिट नहीं है. मैं फटाफट आपको एसी जनरेटर के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज देन इट विल नॉट कंज्यूम मच टाइम. बिल्कुल ही ईजी है ये, ठीक है. देखो एवरी आप आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन अ जनरेटर, ठीक है. तो उसके देखो, जब आप जनरेटर देखते हो तो आप जितने भी आपने जनरेटर देखे होंगे उनमें दो स्टेप्स होते हैं. एक तो हीट इंजन होता है. हीट इंजन का काम तो सिंपली यही है कि फ्यूल को बर्न करके और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना, ठीक है ना. तो और जो जनरेटर्स होते हैं इनमें डीजल या पेट्रोल यूज़ करते हैं कि नहीं, तो उसमें तो एक इंजन यूज़ होता है. तो इंजन को नहीं हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और सारी चीज़ें हैं, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टडी द डायनेमो और द जनरेटर. इसको हम जनरेटर भी बोल देते हैं, डायनेमो भी बोल देते हैं ये, ठीक है. तो जो आपने कमर्शियली यूज्ड इंजन देखे हैं या घरों में डोमेस्टिकली व्हाटएवर, तो उनमें दो स्टेप्स होते हैं, हीट इंजन एंड जनरेटर. हीट इंजन कंज्यूम्स दी डीजल एंड देन कार में हीट इंजन बोलो या इंजन बोलो, कार में इंजन क्या करता है, वो बाय कंज्यूमिंग पेट्रोल और कम्बशन ऑफ पेट्रोल इट इज एबल टू रिलीज एनर्जी. एंड देन जो एनर्जी कम्बशन ऑफ फ्यूल से रिलीज होती है, दैट इज यूज टू मेक द व्हील्स गो राउंड एंड राउंड. एंड बिकॉज ऑफ द व्हील्स गोइंग राउंड एंड राउंड द कार मूव्स. ऐसे होते हैं ना कार के इंजन, इंजन का यही तो काम है. बाकी और जो चीज़ें हैं वो तो उस इंजन को सपोर्ट करने के लिए. तो जनरेटर में भी तो इंजन होता है, एवरी जनरेटर हैज एन इंजन. सो व्हाट इज द डायनेमो पार्ट ऑफ द जनरेटर, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पार्ट है, वो अभी हमें पढ़ना है. तो उसके अंदर जो एसेंशियल फीचर होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है. तो इसमें इस तरीके से आएगा, ठीक है. देर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, मतलब दो पावरफुल मैग्नेट के पोल्स यूज करते हैं. सपोज ये नॉर्थ पोल है लेट्स से, ठीक है ना, और इसके बिल्कुल सामने एक और पोल रखना है आपको. तो दीज आर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि हर एसी जनरेटर में यूज होंगे, ठीक है. तो सामने वाले पोल को लेट्स अज्यूम इट इज द साउथ पोल. सो देन यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर बिटवीन दीज पोल्स. तो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बट अप्रॉक्सीमेटली हम इमेजिन कर सकते हैं कि इन दोनों पोल्स के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है. अप्रॉक्सीमेट ब्लास्ट में ऐसे फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है, यहाँ पे थोड़ी सी कर्व्ड लाइन जाएंगी. तो अभी फॉर द टाइमिंग उसको इग्नोर करेंगे. वील इमेजिन दैट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, दे आर पैरेलल स्टेट एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड. और यहाँ पर एक कॉयल रखी होती है. कॉयल मीन्स बेसिकली क्या होता है कि एक मेटल का फ्रेम होता है. जैसे आप मैच बॉक्स देखते हो ना, मैच बॉक्स में जो मैचेस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, दे रेस्ट इन अ काइंड ऑफ अ फ्रेम, ठीक है. तो बस इसके नीचे वाले बेस को रिमूव कर दो, ठीक है. तो ऐसे एक फ्रेम ले लो आप, मेटालिक फ्रेम या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का फ्रेम, और उसके ऊपर एक कॉयल को ऐसे लपेट देते हैं. कॉयल इज वाउंड ऑन दिस, बट इट इज नॉट अ कॉयल ऑफ वन टर्न ओनली, इट इज अ कॉयल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स मे बी, और हंड्रेड्स ऑफ टर्न्स. सो कॉयल ऑफ मेनी टर्न्स इज वाउंड ऑन अ मैग्नेटिक फ्रेम, ठीक है. और उसको अभी हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही टर्न दिखा रहे हैं हम इस कॉयल का. We are just showing one single turn of this coil. So otherwise it is a coil of let's say capital N, which could be very large, like 1000, 10,000, whatever. ठीक है. So इस coil को जो एक magnetic frame पे bound है, इसको हम बोलते हैं armature of the generator. इसको हम armature बोलते हैं. तो basic concept क्या है, the generation of AC, मतलब alternating EMF generate करता है, मतलब ऐसे टाइम वेरिंग साइनसॉइडल ईएमएफ जनरेट करता है. और बहुत इजी है एक ही स्टेप में प्रूव करना कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्यों जनरेट करता है. तो हाउ डज इट जनरेट द ईएमएफ, तो इसको बिल्कुल इजी है बेटा. इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा ये दिखा दें, ये दो एंड्स हैं, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट और है. तो बेसिकली इसमें दो मेटालिक रिंग्स होते हैं ऐसे, ये मेटल के रिंग्स हैं, ठीक है. दीज आर टू मेटालिक रिंग्स विच गो लाइक दिस, ठीक है. और इन मेटालिक रिंग्स के साथ दो स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, क्यूबिकल या क्यूबॉइडल ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेफाइट के ब्लैक कलर के ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से. तो ये अब होता क्या है कि जब ये व्हेन दिस आर्मेचर रोटेट्स, इसमें ना आर्मेचर को घुमाया जाता है, मतलब जस्ट लाइक द व्हील ऑफ योर कार. तो इसके पीछे हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है जिसको हम एक्सल बोल सकते हैं. सो आर्मेचर इज रोटेटेड यूजिंग द एक्सल, ठीक है.
द रोटेशन इज कॉज बाई द इंजन जस्ट लाइक द व्हील ऑफ द कार. वेन फ्यूल इज बर्नड द बर्निंग फ्यूल रिलीजेज एनर्जी और वो एनर्जी को यूज करके वी रोटेट द कॉयल इन द मैग्नेटिक फील्ड. वेन यू रोटेट द कॉयल इन द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है देन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होते हैं. मतलब ये एंड्स बन जाते हैं इसके इसके एंड्स बन जाते हैं ये दो एंड्स वो यही दो एंड्स हैं. तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं. ये जो येलो है ये ग्रेफाइट ब्लॉक्स है और इनको हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं S1 S2 दीज आर स्लिप रिंग्स. स्लिप का मतलब ये है कि ये जो येलो या मेटेलिक वायर दिए हमने ये मेटेलिक वायर S1 के साथ इट इज नॉट रिजिडली फिक्स लाइक इट इज नॉट वेल्डेड. इट इज जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट एंड इट रोटेट्स लाइक दिस. रिंग के ऊपर ये स्लिप करती रहती है ऐसे ठीक है. और यहाँ पे ऑयल लगा सकते हैं सो दैट इसमें फ्रिक्शन नहीं हो ज़्यादा ठीक है. और ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगी. तो अगर आपने सपोज यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया तो इस रेजिस्टर में से वही ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा ठीक है. अगर हमने यहाँ रेजिस्टर लगाया तो ये कैसे आएगा हाउ कैन यू प्रूव दिस. तो ये तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया आपके उसमें देखना जल्दी से एक कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को पढ़ना. सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए कि नहीं. देखो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके बीच में एक आर्मेचर है ना. कंस्ट्रक्शन ये होता है ना डिवाइस कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स. द कॉइल इज माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट. ये एक्सल होता है यहाँ पे पीछे माउंटेड मतलब ये फिक्स्ड है उसके साथ ठीक है. देखो जल्दी से पढ़ो द टू एंड्स ग्रेफाइट ब्रशेस B1 एंड B2 सारी चीजें आ गई कवर हो गए इसमें से देख लो नोट्स में से. आ जाएगा सारे पॉइंट्स कवर हो गए ठीक है. अब आप देखो इसमें इन मैंने बताया ना आपको कि ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं ठीक है इन दो पॉइंट्स के बीच में एसी वोल्टेज जनरेट होती है. कैसे जनरेट होती है देखना. तो अभी जो हमने डायग्राम बनाया आप ऐसे इमेजिन करो सपोज जीरो टाइम हम उसको लेते हैं. अभी तो ये कॉइल ऐसे फ्लैट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अभी मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आएगा. क्यों आएगा जीरो क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एरिया वैक्टर दिखा दिया ऐसे सपोज आप एरिया वेक्टर को यहाँ पे दिखाते हो ऐसे डीएस वेक्टर तो बी वेक्टर ऐसे आ रहा है तो बी डॉट डीएस कितना हो गया जीरो. तो पूरी आर्मेचर पूरी इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया. बट उसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है फ्लक्स को जीरो नहीं को. तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स जीरो है लेकिन जब जब इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो द मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द एरिया ऑफ द कॉइल इट कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम. सपोज इसको मैं कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम स्पिन करना शुरू कर देते हैं. सपोज वी स्टार्ट रोटेटिंग दिस कॉइल विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो ये ओमेगा वही है जो आई जीरो साइन ओमेगा टी में ओमेगा आया था ना ये वही है. अभी यहाँ पे ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रेडियंस पर सेकेंड में मेजर होगी ना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कॉइल ठीक है. तो रेडियंस पर सेकेंड में आ जाएगी. तो अभी आप देखना तो सपोज हम ये वाली कंडीशन लेते हैं. सपोज इनिशियली ये ऐसे आ रहा है मतलब ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा इस डायग्राम से ऐसे ले लेते हैं इसको. आपके नोट्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है इस तरीके से. मतलब आप मान लो कि जीरो टाइम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं ताकि जो एरिया वेक्टर आ रही है इसकी कॉइल की एरिया वेक्टर पूरे एरिया की एरिया वेक्टर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि डीएस वेक्टर को हम ऐड कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी ठीक है. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कटिंग अक्रॉस एट दिस टाइम. इस टाइम के ऊपर जो टोटल फ्लक्स कटिंग अक्रॉस आएगा वो आएगा बी डॉट ए. लेकिन इसमें एंगल कितना है बी और बी वेक्टर और ए वेक्टर में. तो मान लो ये जीरो टाइम है मतलब हम जब ये कॉइल को घुमा के आप ऐसे ले आए तब ये वाली सिचुएशन आएगी ठीक है. उसको जीरो टाइम मान लो. अब यहां से स्टार्ट करते हैं तो जीरो से टी टाइम के बाद क्या होगा कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगी थोड़े से एंगल से ठीक है. रोटेट करने का मतलब है कॉइल विल गो लाइक दिस इट रोटेट्स एंड गोज एट एन एंगल. तो उसकी जो एरिया वेक्टर आ जाएगी तो वो ऐसे चली जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में लगा रहा भी ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड बट द कॉइल कम्स एट सम द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ रहा ठीक है. ये बी वैक्टर ये ए वैक्टर. तो आप बताओ कि अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रहा है तो एरिया वैक्टर कितने एंगल से टर्न कर जाएगा टी टाइम में. तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम इतने एंगल से टर्न हो जाएगा. तो अब हम इन जनरल लिखते हैं. इन जनरल मतलब सपोज वी राइट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स एट द टाइम टी. ये टी टाइम है आर्बिट्री टाइम. नाउ एज द कॉइल रोटेट्स थीटा चेंजेस ठीक है. इसमें थीटा 90 डिग्रीज है इसमें थीटा जीरो है ठीक है. थीटा 90 होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा. यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा बी ए.
फिर अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो वन ही होती है ना, वो यहां पे आ रही है। तो एज यू रोटेट द कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द कॉइल ए बी सी डी, ठीक है, इट कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम बिकॉज ऑफ विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको कैपिटल फाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल फाई आ जाएगा टोटल फ्लक्स, क्योंकि इसमें एन टर्न्स है ना, ठीक है। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आ जाएगी, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ये वैल्यू। अब इसको आप ऐसे लिखो बेटा, एन बी ए, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा कि नहीं इस डायग्राम को देखकर, बी डॉट ए, ठीक है, और थीटा कितना है, ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, देखना एन बी ए तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला गया, ये माइनस साइन, अब बचा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब ये सबको डिफ्रेंशिएट करना आता है ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे ऊपर, एन बी ए, सो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये साइन ओमेगा टी, और साथ में एक ओमेगा भी आएगा कि नहीं, क्योंकि जब ये टाइम नहीं है ना, ये तो ओमेगा टी है, तो डेरिवेटिव यहाँ पे भी एक और ओमेगा आएगा यहाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। इसको ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो बेसिकली ये क्या आ रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। सो मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ईएमएफ आ रही है वो इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, और ये जो पूरा का पूरा है ब्रैकेट में, इसको हम पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ बोलते हैं। पीक वैल्यू मतलब जो ग्राफ आएगा ईएमएफ का, द ईएमएफ विच इज अवेलेबल बिटवीन दीज टू कॉन्टैक्ट्स, इट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है। और ये पीक वैल्यू होती है, दिस इज ई जीरो, ई जीरो, ये चीज ई जीरो है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ जाएगा बस, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दिस प्रूव्स दैट साइनसॉइडल ईएमएफ, सो व्हेन यू रोटेट अ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो उस कॉइल के जो एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स, ये और ये सेम ही चीज है, ठीक है। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विच वेरीज साइनसॉइडली विद टाइम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बस इतना होगा, अब हम चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो रिकवर कर लिया हमने, इतना ही होता है फर्स्ट डे में ना।